नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करने वाला हूँ, 17 मई का दिन डिसाइड कर लिया गया है दोस्तों, एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आने वाले हैं इस बात को लेकर कि जो क्लास 12 सीबीएसई के एग्जाम्स होने वाले हैं क्या ये होंगे या नहीं होंगे, तो सिर्फ फाइनल डिसीजन देख के जाएंगे वो। पहली बात क्यों, क्योंकि भाई पेरेंट्स का प्रेशर, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं प्यारे भाई बहन दोस्त हैं उनका प्रेशर, साथ ही दोस्त जो दोस्त पिटीशन दायर की गई है इसका बहुत बड़ा प्रेशर रहा। मैंने आपको बताया था दोस्त, अब एजुकेशन मिनिस्टर का जवाब देना ही पड़ेगा, यानी कि सीबीएसई का जवाब देना ही पड़ेगा। अब दोस्त जब सीबीएसई अगर फैसला ले लेती है कि बच्चे होंगे प्रमोट और हो जाते हैं एग्जाम कैंसिल, दोस्त यही सेम सिनेरियो आप सभी के पास भी इंप्लीमेंट होने वाला है, यानी कि जितने भी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं उन सबको दोस्तों विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट कर दिया जाएगा। खुशी की बात दोस्तों ये है कि 17 मई को ही एनयूएस बोर्ड के अंदर मीटिंग होने वाली है दोस्त, सौभाग्य के साथ उस मीटिंग का दोस्तों हिस्सा बनने का मौका मिला है और आप सभी को दोस्तों बातों को मैं वहाँ पर रखने वाला हूँ। मैं इतना तो दोस्त से बिलीव के साथ कह सकता हूँ और मैडम जी की पूरी पूरी हमारे आशीर्वाद है। और एक बात दोस्त पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें आपको पता है दोस्त, जब भी कहीं पे भी कोई मीटिंग हो या कहीं पे कुछ भी बात हो, एजुकेशन सिस्टम की बात हो, आपको पता है कि जब जैसे कि 17 मई को आ रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर, तो क्लास 12th एग्जाम्स हो गया नहीं हुआ इसके डिसीजन पे बात करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे, साथ ही कुछ और पॉलिसी और कुछ रिफॉर्म के ऊपर बात करने वाले। लेकिन उन्होंने सिर्फ सीबीएसई वर्ड ही यूज़ किया है, बस दुख मुझे सिर्फ इस बात का होता है। आखिर एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं है क्या? क्या एनयूएस के स्टूडेंट इस देश के नहीं है? तो ऐसे इस तरीके से इग्नोर क्यों किया जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। बस मैं बेशक कुछ करो या मत करो, लेकिन जब सीबीएसई की बात हो रही है तो प्लीज़ एटलीस्ट जो एनएस के स्टूडेंट उनकी भी कम से कम बात किया करो, थोड़ा दिल को सुकून मिलता है कि नहीं यार हमारे बच्चों को भी, हमारे भाई बहन को भी कोई पूछता है। बस दोस्त इससे की लड़ाई है, ये लड़ाई है उसी प्रमोशन या पेपर एग्जाम या एग्जाम कैंसिल करने की नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारी एग्जिस्टेंस की, ये हमारी अपनी पहचान की लड़ाई है, ताकि हमें भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक जगह मिलनी चाहिए, ताकि एनएस के बच्चों को भी थोड़ा कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जगह मिले, तभी दोस्त हमारे मुद्दे आगे जाएंगे। यार दो बात कहना चाहता हूँ, 17 मई को दोस्तों ये जो डिसीजन आएगा एजुकेशन मिनिस्टर जी का, वो आप सबके इंटरेस्ट में होगा, इतना दोस्त मैं कह सकता हूँ। काफ़ी दोस्तों अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन दोस्त इस समय जो एनयूएस बोर्ड के अधिकारी हैं उनके ऊपर प्रेशर हमारा मतलब कि कंटिन्यूसली बनना चाहिए। दो काम आपको दोस्तों करना है, नीचे लिंक के पिटीशन का साइन तो आप कभी कर ही रहे हो और दोस्त आप सभी को साइन करते रहना है। सेकंड बात दोस्तों ये कहूँगा, जब एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आएंगे आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर प्रमोट एनयूएस स्टूडेंट आपको कमेंट पे कमेंट करते जाना है, करते जाना है कमेंट पे कमेंट, देखते हैं दोस्तों कैसे इग्नोर करते हैं ये, ध्यान रखना। बाकी दोस्त आपका भाई आपके साथ रहेगा ट्विटर पे दोस्त, मैं भी अपना कैंपेन पूरा चला रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्त 17 मई का ये जो दिन डिसाइड किया गया है, मंडे है, देखते हैं अब क्या होता है। बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सिचुएशन दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये जो स्ट्रेंच ये जो चल रही है ना, मेन जो अभी का जो कंडीशन है ये बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक है। ये इतना हार्मफुल कंडीशन दोस्तों होगा ये कि मैं क्या कहूँ यार, हम जैसे बोले वाले बच्चों प्यार, मैं नहीं चाहता दोस्तों कोई गलत कुछ ऐसी घटना घट जाए तो उस घर का क्या होगा जिस घर के अंदर ऐसी घटना घट जाएगी, ऐसे बाकी दोस्तों जिम्मेदारी कौन लेगा। और दोस्त पीछे आए दिन आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी कि जो एक्सपर्ट्स ने राय दी थी कि नहीं एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, साथ ही दोस्त बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर भी एक मुद्दा डाल दिया गया कि ऑफलाइन जो है ना एग्जाम्स, ऑफलाइन एग्जाम्स होना चाहिए। अब तमाम मतलब कि ये बात मुझे समझ भी नहीं आता, मैंने कौन सा सस्ता नशा करते हैं यार बच्चे, इतने ट्विटर के ऊपर तमाम सोशल मीडिया के ऊपर इतने भयंकर रूप से कैंपेन चल रही है, हमारी भी तो एक डिमांड है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए तो हम ये बात कर रहे हैं भाई, हैं वरना हमें क्या दिक्कत। चलिए दोस्तों खैर इंटरेस्ट में आप सभी का फैसला हो और हमारी मांगें पूरी हों। दो तीन बात दोस्तों हमेशा याद रखना, आपकी अपनी पढ़ाई आगे के लिए चलती रहनी चाहिए, एकेडमिक्स लेवल्स पे अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो दोस्त इसको आपको आगे भी झेलना पड़ेगा, तो इसको कोई अपना नुकसान होने मत देना, ठीक है। हाँ दोस्त आगे बाहर जाके आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऑफलाइन एग्जाम तो दोस्तों इतना तो कह सकता हूँ मैं कि नहीं देना होगा, जिस तरीके दोस्तों इस समय से कंडीशन चल रही है। 17 मई को दोस्तों फैसला आ जाएगा, सीबीएसई का एग्जाम जैसे ही कैंसिल होता है दोस्त, आप सभी जितने भी एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी के दोस्तों एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा और आप सबको विदाउट एग्जाम्स को प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्त, क्योंकि पिछले जब एक्सपर्ट्स की राय आई थी दोस्त उस समय एक टेंशन सा बन गया था मन में कि अरे यार ये एक्सपर्ट्स ने क्या कह दिया, अब सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर वो कीड़ा ना उछल जाए, नहीं भाई अब तो नहीं, अब तो कैंसिल नहीं करेंगे भाई, और वही बात कहीं एनयूएस बोर्ड मान ले, तो इस समय सब मेरे को थोड़ा सा एंग्जाइटी हो गया था बहुत ज़्यादा, अब यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। लेकिन इसी समय दोस्त जब पिटीशन फाइल हुआ और तमाम बच्चों का सपोर्ट मिला सोशल मीडिया के ऊपर दोस्त, तब मुझे अब एक हौसला मिल गया, नहीं
जब सारे बच्चे साथ हैं तो ढीले क्यों पड़े। और बाकी अपना कमाल दोस्तों आप सब दिखाते रहना, ट्विटर पे जाके दोस्तों रिट्वीट करते रहना, नीचे कंपेनिंग है, पिटीशन का लिंक है, साइन कर रहे हो ना, करते रहना, ईमानदारी के साथ साइन करना। आपका भाई आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा, हर मुसीबत में लड़ता रहूँगा आपकी खुशियों के लिए, आपको और आपकी फैमिली के लिए। दोस्त मैं सिर्फ खुशी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्त इससे आप तो दुआ दोगे दोगे, अब मैं चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे। तो जैसे मतलब मेरे तो आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स है ना, उनके मुंह से निकले एक भी शब्द दोस्त मेरे लिए आशीर्वाद का काम करेगा। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 17 मई भूल मत जाना भाई, ट्विटर पे बिल्कुल आग लगा दो, आग लगा दो, पूरी कैंपेन चला दो दोस्तों। अब 17 मई को ही दोस्त एनएस बोर्ड भी फैसला, यानी कि कह सकते हो कि जो 20 तारीख को जो आने वाला है दोस्त, वो मेरे को 17 मई को पता चल जाएगा, क्योंकि उस मीटिंग में दोस्तों जो एनएस मीटिंग होने वाली है उसके अंदर ऑनलाइन मीटिंग हुई है कॉन्फ्रेंस के द्वारा, दोस्त मुझे शामिल होने का इसमें मौका मिला है और मैं आप सभी की बातों रखने वाला हूं। मैं आप सब अपनी सभी बातों को, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तमाम बातों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर दोस्त आपका टीएमए सबमिट नहीं हुआ है, मैं उनकी मुद्दा उठाने वाला हूं, जो ऑन डिमांड के स्टूडेंट है मैं उनका मुद्दा उठाने वाला हूं, तो जून एग्जामिनेशन के जो भी स्टूडेंट है, जो पब्लिक एग्जाम जो देने वाले थे क्लास ट्वेल्थ के, उनका दोस्त मेन मुद्दा तो है ही है भाई के, बस इन सभी को दोस्त विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोट किया जाए। इस बार एक भी बच्चा फेल ना हो, अच्छे मार्क्स से होंगे पास, बिल्कुल भी ना हो निराश। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि आपका साथ मेरी अंदर की जुनून को जगा देता है। और एक बात उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, जो रिपोर्ट करके वीडियो को डिसलाइक करवाते हैं, नीचे कमेंट में गालियाँ देते हैं, हम भारतीय हैं और भारतीयों की अदा होती है ये, क्यों? क्योंकि दोस्त जो हमारी इस वीडियो पर कमेंट और लाइक और डिसलाइक करने या गाली देने आता है दोस्त, कम से कम वीडियो को क्लिक करके देखता तो है। चलिए कोई बात नहीं भाई, और जब देख ही रहो इस वाले वीडियो को, आप भी खुश रहो और आपके पेरेंट्स भी खुश रहें। मैं दोस्त हमेशा अपने और अपनों के लिए लड़ता आया हूँ और मैं हमेशा यही काम करता रहूँगा। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबकी खुशियों के लिए, और 17 मई का दिन भूल मत जाना, एजुकेशन मिनिस्टर दोस्तों लाइव आ रहे हैं, बाकी सभी डिटेल्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। जय हिंद जय भारत।